दोस्तों, अब विदेशी कंपनी सरकार से सर्टिफिकेट लेकर चोरी करना चाहती है, जिससे टैक्स भी बचे और भारतीय मार्केट से पैसा भी कमाया जा सके। कमाल की बात यह है कि ये कंपनीज उस लूपहोल का फायदा उठाना चाहती हैं, जिसे असल में सरकार ने भारत से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बनाया था। लेकिन अब यही सरकार ऐसी कंपनी के सामने जिद पर अड़ चुकी है और चीनी सामान को किसी भी कीमत में एंट्री नहीं देना चाहती। दरअसल व्हाइट गुड्स और फुटवियर्स को भारत में बेचने के लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब अगर फैक्ट्रीज भारत में है तो ये सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर फैक्ट्री किसी विदेशी जमीन पर है तो सरकार इस तरह के सर्टिफिकेट को देने में आनाकानी करती है। यही वजह है कि मित्सुबिशी और कैरियर माइडिया जैसी कंपनी दूसरे देशों में बने अपने एयर कंडीशनर भारत में इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से दुनिया को पीछे कर आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, अब यहाँ पर दूसरे देशों से मतलब हमारा चीन से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन देशों से है जिन देशों की इकोनॉमी चीन के भरोसे चलती है। एग्जाम्पल के लिए थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश। आपको बता दें कि इन देशों को चीन अब अपने लिए गेटवे की तरह इस्तेमाल करता है। मतलब ये है कि जिन देशों में चीनी प्रोडक्ट्स बैन है, उन देशों में बताए गए देशों के जरिए सामान एक्सपोर्ट किया जाता है। लेबल पे भले ही मेड इन वियतनाम या मलेशिया लिखा हो, लेकिन असल में प्रोडक्ट्स चीन में बने होते हैं। और भारत में भी ऐसा ही करने का प्रयास किया जा रहा था। नाइकी जैसी फुटवियर कंपनी की कुछ फैक्ट्रीज वियतनाम और इंडोनेशिया में स्थित है, और नाइकी चाहता है कि भारतीय सरकार इन दोनों देशों से इंपॉर्टेंट जूतों को BIS सर्टिफिकेट दे। लेकिन सरकार का मानना है कि इस तरह के सर्टिफिकेट मिलने के बाद यह कंपनी चाइनीज जूतों को इन दोनों देश के रास्ते भारत लाने का प्रयास करेगी। वैसे ही ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे कि मित्सुबिशी और कैरियर भी थाईलैंड और वियतनाम से बनी बनाई ऐसी भारत में लाना चाहती है, लेकिन सरकार के कड़े रुख की वजह से अब इन्हें लोकल ऑप्शंस तलाशने पड़ रहे हैं। यही वजह है कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक अब करीबन 1900 करोड़ रुपए की लागत से चेन्नई में एक कंप्रेसर प्रोडक्शन यूनिट लगाने जा रही है और 2000 तक इस यूनिट में कंप्रेसर का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। इस यूनिट में हर साल 3 लाख एसी और करीबन 6.5 लाख कंप्रेसर प्रोडक्शन होगा, और इस यूनिट से मित्सुबिशी दूसरे एसी मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंप्रेसर सोल्ड आउट करेंगी। इसी तरह नाइकी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की तरह काम करने वाली ताइवानी कंपनी कोचिन भी तमिलनाडु में करीबन 2300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से एक प्रोडक्शन यूनिट खोलेगी, जिसको लेकर इसी साल के अप्रैल में अग्रीमेंट साइन कर लिया गया था। अजीब बात यह है कि मैन्युफैक्चरर को सरकार इन्वेस्टमेंट पर अच्छा खासा इंसेंटिव देने को तैयार है, लेकिन अभी तक भारत को केवल एक मार्केट की तरह ही देखा जा रहा है। लेकिन इस बार सरकार ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है और साफ तौर पर यह बता दिया है कि अगर भारतीय मार्केट में बेचना है तो भारत में ही बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी कई सालों से भारतीय मार्केट को चीन दूसरे दरवाजों के जरिए लूट रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे चीन के लिए दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को कंट्रोल करने वाले देशों के साथ में इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है कि वह लगातार कच्चे तेल की कीमतों पर से अपना कंट्रोल खोते चले जा रहे हैं, और इससे डेफिनेटली भारत को बड़े फायदे होने वाले हैं, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों पर जो एक बड़ी मुनाफ ली थी अब कम हो जाएगी। और मौजूदा वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक देश सऊदी अरेबिया भी कच्चे तेल की कीमतों पर से अपने कंट्रोल खो चुका है। सऊदी अरेबिया वही देश है जिसने कुछ समय पहले यानी कि अक्टूबर के महीने में अनाउंसमेंट की थी कि नवंबर तक अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कट करेंगे। इसके बाद उन्होंने नवंबर में भी इसी फैसले को एक्सटेंड किया और दिसंबर तक अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को काट दिया ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ें और यह देश मोटा पैसा कमा सके। लेकिन अब शायद इनका तीर इन्हीं के ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें लगातार ड्रॉप हो रही हैं
और मार्केट में कई बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं जो अब प्राइस कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया भी ओपेक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, जो क्रूड ऑयल की सप्लाई मैनेज करने के लिए काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है और कंट्रोल करने के लिए काफी बड़ा कंट्रोल ओपेक कंट्री का भी रहता है। प्राइस कंट्रोल करने के लिए इस समय इसके बड़े मेंबर्स हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और इस लिस्ट में वेनेजुएला को भी शामिल किया गया है। और रिसेंटली अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के सभी तरीके के रिस्ट्रिक्शन हटाए गए हैं, यानी कि वेनेजुएला भी अब बड़े लेवल पर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। वहीं इस लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम शामिल होता है यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका का, और अमेरिका ने भी अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, जहां नए नए ऑयल फील्ड डिस्कवर किए जा रहे हैं और अमेरिका 10 से 12 मिलियन बैरल पर डे कच्चे तेल का प्रोडक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो गैप था वह नहीं हो पा रहा है और इसके कारण भी प्राइस नहीं बढ़ पा रहा है। तीसरे बड़े कारण की बात की जाए तो रिसेंटली रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी कि भारत जिस तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है, किसी भी और देश के अंदर इतनी तेजी से ग्रोथ नोटिस नहीं की गई है। और ग्लोबली नोटिस किया जाए तो लगभग सभी डेवलप्ड कंट्री की अर्थव्यवस्थाएं इस समय डिक्लाइन फेज में जा रही हैं, जहां चाइना, जो कि अपनी एनर्जी जरूरतों का काफी बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल और गैस के माध्यम से ही पूरा करता है, वहां पर भी डिक्लाइन देखा गया है। और इस समय फैली महामारी की वजह से चीन की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है और इसीलिए मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल का जो कंजप्शन था वो भी कम हो चुका है। एक और इम्पोर्टेंट कारण की बात की जाए तो पूरी दुनिया इस समय रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रही है, लगातार कॉपर के प्रोडक्शन बढ़ाए जा रहे हैं, लिथियम और जितने भी एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी प्रोडक्शन मशीनरी हैं, उनके पर बड़े स्केल पर रिसर्च की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपने नोटिस किया होगा कि यूरोप की तरफ से कार्बन बॉर्डर रूल को भी लाया जा चुका है, जिसके बाद अब बड़े स्तर पर अलग अलग इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के अंदर कार्बन एमिशन भी नहीं किया जाएगा। यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो क्रूड ऑयल के कंजप्शन को कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में तेल ज्यादा है और तेल ज्यादा है इसलिए कीमतें कम हैं, और इसलिए जो भी देश अब कीमतों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे भी वो कीमतें बढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, इन सब को देखते हुए कतर भी भारतीय नेवी के कुछ ऑफिसरों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अब देखना यह है कि 8 नेवी ऑफिसर को छोड़ने की अपील कतर एक्सेप्ट करता है या नहीं। बाकी आप लोग उनके सही सलामत भारत वापसी के लिए कमेंट में दुआएं करते रहे। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और...